Hey, hello everyone. Very welcome to the channel. मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका अपना एजुकेटर प्रियव्रत त्रिपाठी। तो आज किस नोटिफिकेशन के साथ हम लोग आए हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, SBI PU की एडमिट कार्ड आ गई है। बिल्कुल सही सुना आपने, SBI PU की एडमिट कार्ड आ गई है, जिसके फॉर्म्स आपने कुछ दिनों पहले भरा होगा। तो मैं उसके बारे में जितने भी डिटेल्स है, जितने इंपॉर्टेंट लिंक्स है, वो सारे लिंक्स आपको प्रोवाइड करवा दूं। किसी को अगर कोई भी तरीके का, किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किस तरीके के डाउट्स आप फेस कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल सही ढंग से आप अपनी तैयारी को शुरू रखें और जारी रखें, जिस तरीके से तैयारी करते आ रहे हैं। अपनी तैयारी को रोकना नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से हमें इस एग्जामिनेशन को देना है, क्वालिफाई भी करना है। तो हमारे एग्जामिनेशन कब कब है? हमारे एग्जामिनेशन है 20th को, 21st को और 27th को। यस, ये तीनों के तीनों डेट्स जो है वो नवंबर में है। 20th ऑफ नवंबर, 21st ऑफ नवंबर एंड 27th ऑफ नवंबर, तीन दिन हमारा एग्जामिनेशन चलने वाला है नवंबर में। और इसका एडमिट कार्ड आप कब से लेके कब तक डाउनलोड कर सकते हैं? जी हाँ, 8th ऑफ नवंबर से 27th ऑफ नवंबर तक आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल सही, तो डेट को नोट कर लीजिए और बिल्कुल लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, नहीं तो पता चला जिस दिन आपका एग्जामिनेशन है उसके एक दिन पहले आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करने जाते हैं एडमिट कार्ड। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, अगर सर्वर वहां बिजी रह गया या फिर किस तरीके से कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो काफी दिक्कत हो सकती है। आपको एडमिट कार्ड पहले ही डाउनलोड करके रख लेना है। 8th ऑफ नवंबर से लेकर 27th ऑफ नवंबर ये डेट है आपका, इसके पहले आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। अपना लास्ट एग्जाम 27th ऑफ नवंबर को ही है, तो आपका एग्जामिनेशन 20th ऑफ नवंबर, 21st ऑफ नवंबर, 27th ऑफ नवंबर, तीन दिन हमारा एग्जामिनेशन चलने वाला है। अच्छा, तो बिल्कुल सिलेबस तो आपको पता ही होगा, इस प्री के एग्जामिनेशन में हमसे इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, ये तीन सब्जेक्ट हमसे पूछे जाते हैं। जो इंग्लिश है उसको इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं, मैथ्स को हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं और रीजनिंग को हम एनालिटिकल रीजनिंग कहते हैं। बिल्कुल सही, इंग्लिश के क्वेश्चन हमारे पास 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के या जिसको आप पॉइंट्स कहते हैं उसके 35 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और जिसको रीजनिंग कहते हैं या एनालिटिकल रीजनिंग आप कहते हैं उसके हमारे पास 35 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो प्री का एग्जामिनेशन जब आप दे देंगे, प्री की एग्जामिनेशन देने के बाद अगर आप प्री के एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं तो आपको फिर मेंस का एग्जामिनेशन देना होता है। मेंस का एग्जामिनेशन हमारा दिसंबर में होने वाला है। बिल्कुल सही, दिसंबर में अगर आप उस एग्जाम को भी अच्छे से क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको एक फाइनल इंटरव्यू राउंड के लिए जाना होगा। और ये इंटरव्यू राउंड कब होने वाला है? या आपका होगा फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ फरवरी में इसका एडमिट कार्ड आएगा, एंड दिस विल बी हेल्ड इन द थर्ड वीक ऑफ फरवरी। मतलब कितनी अच्छी चीज है सर, नवंबर में प्री दे रहे हैं और फरवरी में हम लोग इंटरव्यू या फिर मेन फाइनल राउंड देंगे और सर नौकरी लेके आ जाएंगे। तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहिए, हमारी जितनी भी क्लासेस चल रही है वो क्लासेस को आप अच्छे से अटेंड कीजिए, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी तरह के कोई डाउट हो, वी आर ऑलवेज देयर टू सॉल्व योर डाउट। आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, एंड यस, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।